अमेरिका जाने से पहले मोदी ने योगी के साथ मिलकर बनाई वो बड़ी रणनीति जिससे 17 करोड़ मुसलमान करेंगे मोदी मित्र करेंगे नीतीश बाबू के विपक्षी एकता को कमजोर। एक साथ होकर भी नहीं चल पाएगा इनका मोदी योगी पर जोर। लोकसभा चुनाव में योगी के यूपी में प्लान मोदी मित्र हुआ तैयार। अब राहुल, अखिलेश, लालू या नीतीश नहीं, मुसलमानों के वोट बैंक पर होगा सिर्फ बीजेपी का कब्जा। अब विपक्षी एकता हो जाएगी बेअसर। बीजेपी ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी की तैयार जिससे फिर सत्ता में वापसी करेगी मोदी सरकार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे तमाम दलों की बेचैनियों को भांपा जा सकता है। हर पार्टी बस खुद की फिराक में लगी है। एक तरफ 23 जून को पटना में विपक्ष की सबसे बड़ी बैठक है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने फिर से एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बारे में सुनकर विपक्ष के रोंगटे तक खड़े हो सकते हैं। वो प्लान है ही कुछ ऐसा। दरअसल अगर हम बड़े विपक्ष के नेताओं की बात करें तो राहुल, अखिलेश या फिर बिहार में लालू नीतीश को मुसलमानों का हितैषी माना जाता रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी भी चुनाव में बहुत अहम होती है। ऐसे में कभी कभी तो ये गेम चेंजर भी साबित हो जाते हैं। विपक्ष के पास फिलहाल ये सबसे बड़ा हथियार है लेकिन अब उस पर भी बीजेपी की नजर गड़ी हुई है। दरअसल अपने पीएम मोदी ने साफ साफ तमाम कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दे दी है कि पसंदा मुसलमान जिनकी आबादी करीब 14 करोड़ तक है उन्हें अपनी तरफ खींचना है। इसको लेकर पार्टी देश भर में विभिन्न कार्यक्रम की तैयारी कर रही है और इसी बीच अल्पसंख्यक मोर्चा के विशेष अभियान मोदी मित्र के जरिए मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी सरकार के 9 सालों की योजनाओं को मुस्लिम समुदायों के बीच ले जाएगी और इसको लेकर लाभार्थियों का सम्मेलन किया जाएगा। इसके तहत पार्टी यूपी के कई जगहों पर कार्यक्रम करेगी और इसके साथ केंद्र सरकार के काम इन तक पहुंचाने की कोशिश भी की जाएगी। मोदी मित्र अभियान के जरिए मुस्लिम समुदाय में प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोगों के पास पहुंचेगी। पार्टी इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय को मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बताएगी। इस अभियान में 1 लाख मुस्लिम कार्यकर्ता देश के सभी हिस्सों में जाएंगे। दरअसल देश में मुसलमानों की संख्या अब बढ़कर करीब 14 करोड़ हो चुकी है और ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी विरोधी माने जाते रहे हैं। इनके वोट बैंक पर कांग्रेस, सपा और लालू नीतीश की पार्टी की भी अच्छी पकड़ है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में जब कई विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी तो अल्पसंख्यकों का वोट बैंक भी उनके पास ही आएगा। ऐसे में बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है जिसको देखते हुए नरेंद्र मोदी ने खास अल्पसंख्यकों के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है जिससे वो मोदी सरकार के कार्यों से आकर्षित हो सके और चुनाव में अपना मन बदल दे। लेकिन इसका परिणाम कितना सफल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। योगी और मोदी बीजेपी के दो धुरंधरों की स्ट्रेटजी कितनी कारगर साबित होगी और इससे उनके वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा इन सब के लिए हमें चुनाव के परिणाम आने तक का इंतजार करना होगा। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी मुकाबला जबरदस्त है।